कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आए हैं हम लोग कोरबा का अप्पू गार्डन घूमने। तो आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा आज मैं, कैसा है अप्पू गार्डन। और यहाँ आने के लिए आप लोग को बाहर में वहाँ पे 5 रुपये का टिकट लगेगा, उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं। चला जाए अंदर, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है गार्डन यहाँ का। आप लोग को पीछे कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ अप्पू गार्डन का व्यू कैसा है। देख सकते हैं वहाँ से गेट है, वहाँ पे झूला लगा है, और वहाँ से फिर यहाँ ट्रेन है। यहाँ पे पहले चलता था, अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ से ऐसे घूमता थे, देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे। वो उस साइड में झूला लगा है आगे में बच्चों लोग के लिए। और आज आप ही लोग के लिए ब्लॉग के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है तो उतना मज़ा नहीं आता पहले जैसे। आज ब्लॉग बनाने का फिर सोचे कि चले गार्डन में ब्लॉग बना लेते हैं एक आपको, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो आज आए हैं हम लोग यहाँ पे रील्स बनाने, 2-4 रील्स बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ का नेचर कितना खूबसूरत है गार्डन। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कोविड है, इसीलिए भीड़ नहीं रख रहे हैं गार्डन वगैरह को। देख सकते हो मस्त है यहाँ का। यहाँ पे आकर आप लोग घूम सकते हैं फैमिली के साथ, 5 रुपये टिकट है एक जने का। यहाँ पे पानी वगैरह चलता है, संडे संडे यहाँ पे नहाने वगैरह आते थे, क्योंकि लॉकडाउन है इसके वजह सब बंद है। यहाँ आगे में पूल है, यहाँ पे नहाने वगैरह आते हैं, संडे संडे खुलता था वो नहाने वाला। अभी लॉकडाउन के वजह से पूरा बंद है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है सीन यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नहाते थे लोग, लॉकडाउन की वजह से बंद है। चलिए आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं, इधर की व्यू कैसा दिख रहा है। यहाँ पानी अभी तक है, सूखा नहीं है, बारिश की वजह से भरा है, नहीं तो सूख जाता है यहाँ का बारिश। ये गाइस अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है, पूरा घूम लिए अप्पू गार्डन को। आप लोग को भी दिखा देता हूँ कैसा है एक बार घुमा के पूरा चारों तरफ को। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिया है जहाँ पर नहाते हैं संजय संजय को, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। और ये है झूला, हमारे बंदर जी का मूर्ति बनाकर झूला को फिट किए हैं, झूला झूल सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे। और वहाँ का पूरा तो बैकग्राउंड दिखा चुका हूँ एक बार, वह लास्ट बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से अंदर आओगे उसके बाद ऐसा दिखता है पूरा। चलिए निकलते हैं घर के लिए, एक बार जाते जाते झूला झूल लेते हैं यहाँ पर, फिर निकलेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं यहाँ। चलिए मेरा वजन नहीं सह पाएगा, टूट जाएगा ये, तो चलिए निकलते हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं कहीं और, दूसरे गार्डन। यहाँ को तो घूम लिए, अब दूसरे गार्डन जाएंगे हो सके तो। चलिए बाय। जस्ट गार्डन के सामने देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे लिखा है कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा देख सकते हैं, लव कोरबा लिखा है। गई माता वहाँ पे चारा चल रहा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए आगे दिखाते हैं दूसरा गार्डन में पहुँच कर। जैसे ही आते जाइएगा तो यहाँ पर है आप लोग का बुधवारी बाजार, जो कोरबा का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। ये है वो बुधवारी बाजार, यहाँ यहाँ पे एक दिन बुधवार को ही बाजार लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है चलने के लिए, यहाँ से वहाँ तक रोड क्रॉसिंग के लिए, इसे कहते हैं बुधवारी बाजार। यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये महाराणा प्रताप का सिंबल है, यहाँ से महाराणा प्रताप आ जाता है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे निहारका। गाइस अब आ गए हम लोग सेकेंड वाले गार्डन में, पुष्पलता उद्यान, ये दूसरा गार्डन है। इसके बाद जाएंगे हम लोग स्मृति गार्डन, इसके सेकेंड बाद। यहाँ से गेट है, ये आप लोग का है कौन सा चौक है, कौन सा चौक है, आईटीआई चौक के पास है। यहाँ से देख लीजिए कितना खूबसूरत दिख रहा है गार्डन यहाँ का।
यहाँ से पूरा आप लोग को पीछे कैमरा से दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। देख सकते हैं सबसे खूबसूरत गार्डन कहा जाता है इसको। तो गाइस कमेंट करके बताना कौन कौन कोरबा से देख रहे हो और इस गार्डन में कौन कौन कोरबा के आए हैं, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ का देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन है, आप लोग को अंदर जाके भी दिखाऊंगा। अभी पहले अच्छा था, जब कोविड नहीं था बहुत भीड़ चलता था यहाँ, और यहाँ का खूबसूरती भी बहुत अच्छा है। कितना खूबसूरत गार्डन है, यहाँ से ऐसे करके घूमा हुआ है, यहाँ से ऐसे पूरा, ज़्यादा भीड़ ही नहीं है देखा जाए तो, कोविड के वजह से सब बंद रहता है, इसके चक्कर में कुछ सब चीज़ बंद पड़ा है। अब चलिए मैं अभी आगे आप लोग को दिखा रहा हूँ। गाइस पहुँच गए हम लोग स्मृति गार्डन, आपको पीछे से दिखा रहा हूँ मैं, सकते हैं स्मृति उद्यान। यहाँ भीड़ है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है उससे, और बड़ा भी है ये वाला गार्डन, देख सकते हो हल्का फुल्का यहाँ पर भीड़ है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ जंगल टाइप का है थोड़ा, यहाँ गार्डन है, वहाँ से यहाँ तक कितना खूबसूरत है। अभी पानी वगैरह चल नहीं रहे, नहीं तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है यहाँ का गार्डन। और यहाँ पे आके आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे मस्त बैठने के लिए है, बैठ के मस्त बातें कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बच्चों के लिए झूला लगाए हैं सामने में, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर पानी चलता है लेकिन अभी बंद है, तो इसके लिए अभी बंद किए गए हैं लॉकडाउन की वजह से, बाद में चालू हो गए फिर से। गाइस यहाँ पे चलता था पहले, पानी बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है यहाँ पर का, अब बंद हो गया है पानी वगैरह सब चीज़। तो यहाँ से आप लोग को इधर लेके जा रहा हूँ मैं, इधर है बच्चों का खेलने का झूला, झूलने का सॉरी। यहाँ से देख सकते हैं पूरा बच्चे लोग पूरा झूला झूल रहे हैं यहाँ से, ये देखो। और इधर भी है बच्चों का झूलने का झूला, इधर इस साइड भी। चलिए आगे लेके जा रहा हूँ आप लोग को।